हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ओट्स। ठीक है, ये है नमकीन ओट्स बनाने का रेसिपी, मैं बताऊँगी। वैसे ओट्स तो सब जानते हैं क्या होता है, फिर भी मैं बता दूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं ओट्स। ठीक है, ये बहुत ही हेल्दी होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बूढ़ों के लिए, मतलब सारे एज के लोगों के लिए। ठीक है, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इसे मतलब बच्चे ही खा सकते हैं या कुछ, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें फैट भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैंने पहले ही जो है कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया था और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें डालना है मुझे ऑयल। ठीक है, आप ओट्स की क्वांटिटी के हिसाब से तेल डालें। हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए मैं खाना अक्सर मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। और गैस का फ्लेम हाई, जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो ये कुछ चीज़ें हैं, सब्जियाँ जो मैं पहले काट चुकी हूँ, कटिंग कर ली मैंने। ये टमाटर, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च। आप चाहे तो इसमें और सारी वेजीज ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर हुआ, शिमला मिर्च हुआ। ठीक है, तो ये प्याज भी हमें रखना है। ये ओट्स जो है ये मीठा भी बनता है और नमकीन भी बनता है। फिलहाल तो मैं मसाला ओट्स बना रही हूँ, मीठा वाला भी मैं एक बार बनाऊँगी, इसका वीडियो भी मैं डालूँगी ज़रूर। और वो टेस्टी भी होता है। जो लोग सिंगल हैं, मतलब सिंगल मतलब सिंगल नहीं, जो अकेले रहते हैं और जॉब करते हैं, 4 से 5 घंटा घर से बाहर रहते हैं, वो इसका नाश्ता करें, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। मेरे हस्बैंड हमेशा मतलब 3-4 घंटे के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो वो ये नाश्ता बहुत पसंद करते हैं और करते हैं। ये आदमी को मतलब एनर्जेटिक रखता है देर तक। और जैसे कि मैंने बताया, इसमें फाइबर है ढेर सारा। खास करके वो लोग जो एक ब्रेड खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ नया चाहते हैं कि नहीं यार आज कुछ चेंज हो, तो ये चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं नाश्ते में। आप किसी ने मीठा वाला ओट्स बनाए, कभी मसाला ओट्स बनाए, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, जल्दी से बन भी जाती है और टेस्टी भी होती है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्याज का कलर। और अब इसमें मैं जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे टमाटर वो डालूंगी, और फिर टेस्ट के हिसाब से नमक। ज़्यादा कुछ मसाला लगता नहीं है इसमें, थोड़ी सी हल्दी बस कलर आने के लिए। लाल मिर्च पाउडर अगर बच्चे खाने वाले हैं तो ना डालें। अच्छी तरह से फूट फूट के फ्राई करना है। ठीक है, मतलब टमाटर अच्छे से गल जाए। अब जाएगा, देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। ठीक है, टमाटर गल चुका है और अब जाएगा ये मेरा प्यारा सा अंडा। ऐसे मैं अंडा हर चीज़ में डालती हूँ, अंडा डालना अच्छा होता है, अंडा खाना चाहिए। पर जो अंडा पसंद नहीं करते या नहीं खाते वो इसे अवॉइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसे सिर्फ मसाले के साथ बना सकते हैं। ध्यान रहे जब मसाला भुने तो फ्लेम लो हो, और अंडा डालने के बाद आप हाई कर सकते हैं, तो अंडे को पकने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये मतलब मस्त कॉम्बो हो जाता है, प्रोटीन फाइबर सब मिलकर के, मतलब हेल्दी टेस्टी। ट्राई करना चाहिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा और
इसे लो फ्लेम में भूनना है, घूमना है। देखिए एक भुर्जी लगभग तैयार हो चुका है, सारे मसाले पक गए, अंडा भी अच्छे से पक चुका है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें डालना है पानी। ये पानी की क्वांटिटी आपके ओट्स के हिसाब से होनी चाहिए, जितनी आप ओट्स लेंगे उसी हिसाब से नाप करके पानी डालेंगे। ठीक है, पानी डाल दिया, ये मैंने नाप लिया था, इसमें 2 ग्लास पानी डाला है मैंने। पानी डालने के बाद थोड़ी देर बस वेट करें, पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाए, फिर आप इसमें ओट्स डालें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पानी में उबाल आ गया है, और अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ओट्स को डालना है और बस। ये गया हमारा ओट्स। जब ये पक के रेडी होता है ना तो बिल्कुल खिचड़ी जैसा दिखता है, ठीक और काफ़ी टेस्टी भी होता है। बॉयज़ ख़ास तौर से ट्राई करें, ये सब चीज़ें होती है जो आपको हेल्दी रखती है और खाने में टेस्टी भी होती है। अब आपको डालना है इसमें लास्टली ये मैगी मसाला जो मैंने पहले से लिया हुआ है, इसे सीजर से काटो और इसमें डालो। मैगी मसाला हर चीज़ का मास्टर है, मतलब हर मसाले का, ये जिसमें डल जाए वो चीज़ टेस्टी हो जाती है, और ओट्स में डल जाए तो कुछ ज़्यादा ही अम्मी बना देती है उसको। मैगी मसाला डालने के बाद हाई फ्लेम में बस हमें इस तरह से ओट्स को चलाना है, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मतलब ये लगभग पक चुका है। हाँ डाल है बिटू, देखिए ना देखने में इतना प्यारा लगता है ना, मतलब आप ट्राई करना, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। ये वाकई में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी तो है ही साथ में। अभी की डेली लाइफ में लोग मतलब इतने बिजी होते हैं कि कुछ हेल्दी खाने का टाइम ही नहीं मिलता, और जब हेल्दी बनाने जाओ तो काफ़ी वक्त चला जाता है। तो ये हेल्दी टेस्टी और आसान भी। तो अब डालना है फाइनली हमें हरी धनिया, ये तो मतलब इसकी जो सेंट होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये खाने को और भी खुशबूदार और टेस्टी बना देती है। देखिए गाइस, हमारी जो है मसाला ओट्स बन के रेडी है। आपने देखा ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है इसका, और मैं सच कह रही हूँ ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। और ये मेरा हुआ गैस ऑफ, और ये ओट्स रेडी है। इसे मैं निकाल लेना एक बाउल में। तो ये रहा हमारा मसाला ओट्स तैयार। जिसे नींबू खाना पसंद है आप इसे नींबू के साथ खा सकते हैं, या फिर खाली भी खा सकते हैं। देखिए गाइस, ये हुआ ना हेल्दी टेस्टी और इजी रेसिपी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।